हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस. दिस इज सूनम एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6 ऑफ चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई. अब हमें यहाँ पे एक फिगर गिवन है एंड आइडेंटिफाई करना है द सेंटर ऑफ सर्कल 3 रेडियाई. रेडियस का प्लूरल होता है, रेडियस का प्लूरल. अ डायमीटर, अ कॉर्ड, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, अ सेक्टर, अ सेगमेंट. ओके, देन ई पार्ट है इसका. द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल में सेंटर कौन सा होता है? ये सर्कल का सेंटर है जो बिल्कुल मिड में होता है. जैसे कोई भी हम सर्कल ड्रा करते हैं तो सर्कल कैसे ड्रा करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंपास. कंपास की निडल हम यहाँ पे रखते हैं एंड पेंसिल यहाँ पे रखते हैं और वो पेंसिल ऐसे मूव करती है. तो जहाँ पे निडल होती है वो क्या कहलाता है? फिक्स्ड पॉइंट. और फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो उसका सेंटर होता है. देन द फिक्स्ड पॉइंट इज ओ एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर. द सेंटर ऑफ सर्कल इज द सेंटर सॉरी द सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ. ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड 3 रेडियाई. अब हमें यहाँ 3 रेडियस बताना है. रेडियाई जो होता है वो रेडियस का प्लूरल होता है. 3 रेडियाई आर. अब रेडियस क्या होता है? सेंटर से हम सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को, अगर जैसे ये सेंटर है, अब सेंटर से हम सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट, सर्कम ये इसको क्या कहते हैं? ये जो लाइन होती है ये सर्कमफ्रेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को रेडियस कहते हैं. रेडियस कहते हैं, जैसे ये क्या है? ये रेडियस है. सेंटर सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे वो रेडियस कहलाती है. इसमें कौन कौन रेडियस कौन कौन सी है? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी इज द आर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आ डायमीटर. अब हमें यहाँ पे एक डायमीटर बताना है. तो डायमीटर क्या होता है? जब हम एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है वो डायमीटर कहलाती है. इट्स मीन अगर सर्कमफ्रेंस की दो बिंदुओं को मिलाती हुई और सेंटर से पास होती हुई जो लाइन सेगमेंट होती है वो डायमीटर कहलाती है. देन डायमीटर इसमें कौन सी होगी? एसी इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. अ डायमीटर, डायमीटर इज ए सी एंड डी पार्ट अ कॉर्ड. अब हमें यहाँ पे एक कॉर्ड बतानी है. अ कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? अगर सर्कमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट को हम मिलाते हैं, दो पॉइंट जब सर्कमफ्रेंस से मीट करते हैं, ऐसी लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है. जैसे ये क्या है? ये कॉर्ड है. देन यहाँ पे कॉर्ड क्या है? ईडी. अ कॉर्ड इज ईडी एंड नेक्स्ट है ई पार्ट. 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर. अब इसके इंटीरियर में हमें कोई भी 2 पॉइंट्स बताना है. तो इस सर्कल के इंटीरियर पार्ट में कोई 2 पॉइंट्स, फर्स्ट देखिए यहाँ पे ओ एंड पी दोनों ही इसके इंटीरियर पार्ट में है. देन हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ओ एंड पी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट.
अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। अब हमें एक पॉइंट बताना है ऐसा जो इस सर्कल के एक्सटीरियर हो, मतलब इस सर्कल के इस रीजन के बाहर हो। तो इस रीजन के बाहर कौन सा पॉइंट है? क्यू, एफ अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर इज, कौन सा पॉइंट एक्सटीरियर है? क्यू। क्यू एंड नेक्स्ट है जी, अ सेक्टर। अब हमें इसमें सेक्टर बताना है, तो व्हाट इज अ सेक्टर? सेक्टर क्या होता है? जैसे हम कोई भी सर्कल ड्रा करते हैं जब, तो सेंटर, ये क्या होता है, जो जहां पे मिड पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं। और सेंटर से अगर हम दो रेडियस खींचे तो ये पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट कहलाता है सेक्टर। इट्स मीन टू रेडियस एंड वन आर्क से मिलके क्या बनता है? सेक्टर। देन इसमें सेक्टर कौन सा पार्ट होगा? ओ, दो रेडियस कौन कौन सी है? ओ ए एंड ओ बी एंड वन आर्क ए बी, ये दोनों, ये पार्ट क्या होगा? ये सेक्टर कहलाएगा। इट्स मीन अ सेक्टर, अ सेक्टर इज ओ ए बी। ओ ए बी, ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। एंड अ सेगमेंट अब हमें इस सर्कल में एक सेगमेंट बताना है, तो सेगमेंट क्या होता है? जब किसी सर्कल में कॉर्ड प्लस आर्क से मिलके सेगमेंट बनता है। जैसे हम कोई भी के सर्कल में कोई एक कॉर्ड खींचते हैं, तो ये जैसे हमने एक कॉर्ड खींची, तो ये कॉर्ड और प्लस सर्कल, इतना सर्कल मिलके एक क्या बना देगा? ये एक सेगमेंट होगा। सेक्टर कैसे बनता है? दो रेडियस प्लस आर्क, रेडियस और आर्क मिलके ये इतना पार्ट क्या बनाता है? सेक्टर बनाता है। जैसे हम पिज्जा जब भी कट करते हैं, तो पिज्जा को कैसे कट करते हैं? सेक्टर में कट करते हैं। तो दिस इज द सेगमेंट ईडी, ईडी इज द सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। ओके, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कॉर्ड? अब इसमें हमसे पूछा गया है, क्या एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कॉर्ड? जैसे सर्कल में एक सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक रफ सर्कल ड्रॉ करते हैं। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो सेंटर से पास, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है वो डायमीटर कहलाता है। जैसे ये क्या है? ये ग्रेटेस्ट कॉर्ड, सर्कल का ग्रेटेस्ट जो डायमीटर होता है वो कॉर्ड भी कहलाता है, बट उसे डायमीटर ऐसे क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो बट सर्कमफ्रेंस के टू पॉइंट पे मीट करना चाहिए, वो क्या कहलाता है? डायमीटर। देन इसमें क्या होगा? यस यस एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कॉर्ड। अब हम सर्कल से कोई भी डायमीटर खींचे, जैसे हमने ये खींचा, ये भी एक कॉर्ड है बट ये क्या है? ग्रेटेस्ट कॉर्ड। ये सभी क्या कहलाएंगे? कॉर्ड कहलाएंगे। जितने भी डायमीटर होते हैं वो कॉर्ड कहलाते हैं, कॉर्ड ही होते हैं। बट सर्कल का इसका मेन एक फिक्स कर दिया गया है कि जो सेंटर से पास करेगी वो क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। वो लाइन सेगमेंट डायमीटर होता है, बट वो क्या, कैसा डायमीटर होता है? वो ग्रेटेस्ट कॉर्ड होती है। इट इज ऑल्सो कॉर्ड, इट इज ऑल्सो कॉर्ड द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल।
ओके, एंड इसका बी पार्ट है, इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आल्सो अ डायमीटर, बट इसमें क्या कहा है, एवरी कॉर्ड, लेकिन जो सारी कॉर्ड, अगर हमने ये वाली कॉर्ड खींचा तो क्या ये डायमीटर होगी? एवरी कॉर्ड, प्रत्येक कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं होती है, बट एवरी डायमीटर इस कॉर्ड, बट एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो कॉल्ड अ कॉर्ड, बट एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नॉट अ डायमीटर, सभी जो कॉर्ड होती हैं वो डायमीटर नहीं कह सकते, सभी कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं कह सकते, बस बट यहाँ से कोई भी हम डायमीटर खींचे वो क्या होती है, वो कॉर्ड होती है. ओके, देन ये क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, नो एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नॉट नॉट अ डायमीटर, अ डायमीटर. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क. अब हमें एक सर्कल ड्रा करना है एंड उसमें मार्क करना है इट्स सेंटर, अ रेडियस. ओके, तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करेंगे. हमने जैसे यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लिया है, अब हमें क्या करना है, ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क. अब हमें इसमें मार्क करना है इट्स सेंटर, तो इसका सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर कहाँ पे होता है, बिल्कुल मिड में इसका सेंटर होता है. जैसे आप विद द हेल्प ऑफ कंपास जब इसको बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, निडिल यहाँ पे रखते हैं एंड यहाँ पे पेंसिल मूव होती है, तो जहाँ पे निडिल रखते हैं वो क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, और वो इसका क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है. देन यहाँ पे ये क्या है, ये सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, एंड हम यहाँ पे लिख भी लेंगे, ए पार्ट हमने किया है कवर, सेंटर, ओ इज द सेंटर, एंड नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, क्या बनाना है, आ रेडियस. अब हमें यहाँ पे एक रेडियस ड्रा करनी है, तो रेडियस क्या होती है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं. देन हम यहाँ सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगी, रेडियस, एंड इसको हम एक नेम देंगे, ओ ए इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एंड यहाँ लिख भी देंगे हम रेडियस. ओ ए एंड सी पार्ट में अब हमें क्या बनाना है, आ डायमीटर. अब हमें यहाँ पे एक डायमीटर बनाना है. डायमीटर क्या होता है, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस के दो बिंदुओं से मिले, और वो कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए, तो हम अब यहाँ से एक डायमीटर बनाएंगे, ये क्या हो गया, एक डायमीटर, एंड यहाँ पे हम लिख भी देंगे ये क्या है, ओ पॉइंट क्या है, सेंटर, ये क्या है, रेडियस, ओ ए सेंटर, ओ रेडियस, ओ ए एंड दिस इज डायमीटर, डायमीटर इसको हम नेम दे देंगे, ये मान लेते हैं पी क्यू. ओके, अब सी पार्ट में यहां भी लिख देंगे डायमीटर, डायमीटर पी क्यू. नाउ डी पार्ट है अ सेक्टर. अब हमें यहाँ पे एक सेक्टर बनाना है, देखिए सेक्टर पहले से बन चुका है, ये क्या है, ओ क्यू ए, ये क्या कहलाएगा, सेक्टर. तो आप जब भी अपनी नोटबुक पे बनाएंगे तो आप इसको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, सेट कर देंगे या तो पेंसिल से, एंड राइट कर यहाँ पे लिख देंगे, ओ ए बी इज द सेक्टर. डी पार्ट है इसका, अ सेक्टर इज ओ ए बी, ये पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सेक्टर. एंड अ सेगमेंट, अब हमें यहाँ पे एक सेगमेंट बनाना है, तो सेगमेंट कैसे बनता है,
कॉर्ड प्लस आर्क, जैसे हमने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाई, ये क्या है, कॉर्ड है, हमने इसको इसको कोई भी नाम दे देंगे, मान लीजिए ये एम है, ये एन है, एंड ये क्या हो जाएगी, एक कॉर्ड, एक यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे ये एस। अब एम एम एस एन क्या होगी, एक कॉर्ड होगी एम एस एन इज द सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट हो गया, आप इसका एफ पार्ट में अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। अब हमें इसमें आप इसके इंटीरियर पार्ट में एक पॉइंट लेना है, तो पहले से यहाँ पे ओ है, ओ इज अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इट्स मीन ओ एक ऐसा पॉइंट है जो इस सर्कल के इंटीरियर में है। या आप चाहें तो एक दूसरा भी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सी, सी इज द पॉइंट, अब हम यहाँ पे लिख देंगे C इज द पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, अब हमें इस सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट लेना है, मान ली हमने यहाँ पे C लिया है, अब यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे डी ले लेते हैं, इस एक्सटीरियर पॉइंट लेना है, इट्स मीन इस सर्कल के रीजन को छोड़ के एक डी पॉइंट एक्सटीरियर ले लेंगे, देन हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सटीरियर पॉइंट पॉइंट इज डी। नाउ एच में है एन आर्क, अब हमें यहाँ पे एक आर्क बतानी है, कोई भी आर्क ले लेंगे हम यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आर्क क्या होती है, एक छोटा पार्ट, जैसे अब इसका ए क्यू पार्ट हम ले लेते हैं, तो ये क्या होगी आर्क, या फिर यहाँ से ए पी, ए पी क्या होगी, एक आर्क होगी इसकी, एन आर्क इज ए पी। ओके, आर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं आर्क ए पी, आर्क का ऊपर जैसे लाइन सेगमेंट, लाइन का साइन हम ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हम आर्क को भी ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे आर्क ए पी। एंड यहाँ पे भी हम लिख देंगे ये क्या है ओ क्यू ए, ये क्या है सेक्टर, एंड दिस इज अ सेगमेंट। ओके, तो इस एक्सरसाइज में तीन ही क्वेश्चन थे, हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, एंड दिस वॉज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एंड वी विल कवर द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।